हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह की बज चुकी है 10 और आज लव्या का एग्जाम था, तो लव्या एग्जाम देने गई हुई है। नमन के भी एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन नमन का आज हॉलीडे था, प्रिपरेटरी ऑफ था उसका, तो नमन अभी सो रहा है क्योंकि वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि हमने अपने घर पर 10 दिन का गणपति उत्सव किया था, जो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। और अब थकावट भी दूर हो गई है, 3-4 दिन तो बहुत थका सा महसूस हो रहा था क्योंकि 10 दिन तक उत्सव चलता रहा। एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गणेश उत्सव के समापन के बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं हीना के जाने की। अगर आप हमारे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था हीना मेरी नंद की बेटी है, नमन की बुआ की बेटी है, जो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, आपको पता ही है। और हीना जा रही है फर्दर स्टडीज के लिए यूके, लंदन जा रही है हीना, उसको भेजने की तैयारियां चल रही हैं। और 3-4 दिन से हम उसी में ही लगे हुए हैं, बाजार से सामान लाना, और क्योंकि आपको पता ही है नई जगह जा रही है, नया देश है, तो हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसकी पूरी तैयारियां करवा रहे हैं उसको। और कल उसकी फ्लाइट है, तो आज लास्ट डे है तैयारी करने का। वैसे तो तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं क्योंकि एक दिन में तो तैयारी हो नहीं पाती, आपको पता ही है, लास्ट टाइम तक भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है जो लेने जाना पड़ता है। तो आज भी मुझे मार्केट जाना है, तो अभी मुझे थोड़ी देर में मार्केट जाना है, शुभम के साथ मैं जाऊंगी मार्केट, कुछ घर के राशन पानी का सामान लाना है, थोड़ा बहुत उसको दे देंगे क्योंकि एकदम से नई जगह है, खरीदना कहाँ से क्या है नहीं पता होता, तो थोड़ा सा सामान उसको भेजना है और कुछ तैयारियां और भी करनी है। अभी मैं थोड़ी देर में जाती हूँ शुभम के साथ मार्केट, उसके बाद फिर मुझे शाम को हीना के साथ भी जाना है, तो अभी तैयारियां तो करनी है पूरी। A few moments later. तो गाइस, ये शुभम ने स्कूटी भर ली है सारी, ये हीना का सामान है जो हीना ने लेके जाना है, ये सारे सोते हैं, घर का सामान है, ये अभी बहुत कम है, 5% अभी तो बहुत सामान है जो लेके जाएगी हीना। तो गाइस, यहाँ पर हमने हीना के लिए ये गोंद के लड्डू भी बना दिए हैं, और ये हैं बेसन के लड्डू और ये हैं गोंद के लड्डू, जो हमने घर पर ही बनाए हैं, नमन की बुआ ने बनाए हैं। मौसम इतना खराब हो रहा है, 2-3 दिन से कभी बारिश हो रही है, रुक रही है, बादल आए हुए हैं, मतलब रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन काम तो करना ही है, तैयारी तो पूरी करनी है। तो अभी मैं शुभम के साथ हो आई हूँ, राशन पानी का सामान और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आने थे वो ले आई हूँ, और अब थोड़ी देर में जाऊंगी मैं हीना के साथ मार्केट, हीना का भी कुछ काम है। हम गए हुए थे मार्केट और नमन की बुआ ने ये गोंद के लड्डू भी बना दिए हैं, भाई कुछ सूखी चीज भी साथ में होनी चाहिए ताकि भूख लगे तो कम से कम बनाने का मन ना हो, तो दूध और लड्डू ही खा लेगी, पेट भर जाएगा, भाई कभी मन नहीं होता, यहाँ तो हाथों में मम्मी बना के देती है, लेकिन कई बार बच्चे का मन नहीं होता बनाने का, तो कम से कम कुछ चीज होनी चाहिए सूखी जो वो खुद बना ले। और लव्या हीना दीदी जा रही है पढ़ने के लिए, तो तेरे को कैसे लग रहा है बता? ऐसे लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फील तो होता ही है लेकिन कोई बात नहीं, हमें प्राउड है कि हमारे घर की बेटी जा रही है फॉरन में पढ़ने, और थोड़े टाइम बाद लव्या का भी नंबर आएगा, नमन का भी आएगा अभी मना कर रही है, जब बड़ी हो जाएगी यही ना दीदी स्टैंड हो जाएगी, जाऊंगी आपके आपके बिना, मैं साथ चल पड़ूंगी तेरे, ठीक है, मैं वहां पे खाना बना बना के देती रहूंगी, ठीक है, हीना उधर होगी, नमन भी जाएगा, तू भी जाएगी, मैं सबको खाना बना के देती रहूंगी, ऐसी बातें तो चलती रहती है। तो अभी फाइनली तैयारी करनी है, सारा सामान कोशिश है हम उसको दे के भेजे, कोई कमी ना रह जाए, बाकी जो इच्छा प्रभु की। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर हीना के साथ जाना है, और इधर से इनके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, साथ साथ इनकी पढ़ाई का भी है, तो और कल मेरा एग्जाम है, हाँ, वो जीके का और आर्ट एंड क्राफ्ट का, अभी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे चप्पलों की शॉपिंग कर रहे हैं ये स्लीपर्स देख रही है हीना, सही है, अच्छी लग रही है, ठीक है, यही कर दो, एक शूज भी दिखा दो, अब ले रहे हम शूज, कौन से शूज चाहिए, व्हाइट शूज। A few moments later. ए होई नहीं तेरी पैकिंग अभी तक, ये ले, तेरे को घर का घी पसंद है ना, ये देख, इधर ले घर का, बिल्कुल प्योर घी, देसी घी है ना, रिफाइंड है देसी है, ये ले गोंद के लाड्डू, क्या बात, 5 किलो का घी भर दिया क्या? नहीं, 3 किलो, पता नहीं जितना भी है, लेकिन मेरे को तो बहुत कम लग रहा है, गाय का भी है, भैंस का भी है, दोनों का घी, मैं बल्कि इसकी मम्मी को ये कह रही, मैंने कहा तो कम लग रहा है, ये ले एनर्जी लेवल बना रहेगा इससे, कहीं भी रोटी बनाने का आलस आ जाए तेरे को, 2 पीनिया खा लियो, यहाँ देखो सारा भी। तो गाइस, ये नहीं, ये 2 ब्रीफकेस पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, और 2 ये हैं, हमारे को मतलब कितना हीना लेके जाना है अपने को,
76 केजी है, लेकिन कभी हम कुछ निकाल रहे हैं, कभी डाल रहे हैं। आप सोच रहे हो कि 76 केजी सुनने में बहुत बड़ा लगता है 76 केजी, लेकिन जब हम डाल रहे हैं ना सामान तो ऐसा लग रहा है यार किसको निकालूं किसको डालूं, क्योंकि ओवरवेट हो ही जा रहा है। तो अभी सामान ज्यादा है, घर बसाना है तो सामान तो चाहिए। हाँ, पूरा घर बसाना है तो सामान तो सारा A to Z है। कोशिश हमारी पूरी है कि कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, सारा सामान जाना चाहिए। हीना, तुझे कैसा फील हो रहा है? पता नहीं कैसा फील हो रहा है, हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमारे घर की बच्ची जा रही है। हाँ, सुबह से रोए जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही है। तो मुझे बाबा कह रहे मम्मी आप मत चलना, मैंने कहा ठीक है मेरे को घर छोड़ दो, मेरा जी थोड़ा कमजोर है। ये हीना का लैपटॉप वाला बैग, ये भी बहुत भारी हो गया, सामान है ज्यादा। क्या है, क्या कर रहे हैं? एरी एरी की कोई हरकत है क्या? कहाँ है ये? देखो ये देखो, रात की 2 बज चुकी है और इसको नींद नहीं आ रही। तू क्या कर रहा है, पैकिंग करा रहा है? इसका खाना पड़ा था वहाँ। ये देख शुशु कर देते हैं, कहाँ है खाना? अंदर अंदर क्यों डाल रखे खाना? इसका वो पैक्ड है ना वहाँ पे। अच्छा पैक्ड है क्या? मैं कहूँ पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। ये देखो एरी तन के खड़ा है, ये 2 बजे बड़ी, इसको नींद नहीं आ रही। एरी तू भी दीदी को एयरपोर्ट छोड़ने चलेगा दीदी को, सोएगा नहीं तू? गया 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 गया, ये इसको भी नींद नहीं आ रही है। सारी पैकिंग देख रहा है कैसे कैसे पैकिंग हो रही है। मैं जाऊं फिर थोड़ी देर सोया हूँ। A few moments later. तो गाइस सुबह की 4:15 बज चुकी है और ये अटैची वगैरह सब बाहर आ चुकी है। ये देखिए हमारा कक्कू भी नहीं सोया आज है, थोड़ी देर सोया उठ गया, मैं भी थोड़ी देर सोई और फिर उठ गई। ये तैयार बैठा है सबसे पहले जाने के लिए। तो ये मैडम आ चुकी है, तो जी ये सारा सामान रेडी है जाने के लिए और बंदे भी रेडी हो चुके हैं। लव्या नमन सो गया, वो उठ नहीं रहे, वो भी 2:30 बजे सोए हैं। हमें उठा उठा के थक गई उठा के नहीं जा, मिला 2 मिनट उनको वैसे ही। मैं ऊपर जा रही है उनको मिलने, चल समझदारी वाली बात। चलो भाई गली तो पाले नींद में, गली तो पाले खड़े हो जाने नहीं। शुशु भी कर ले उठ के। चलो रहने दे अब तू। बेस्ट ऑफ लक बोल दीदी, बेस्ट ऑफ लक कह रही है। रात को मेरे को मेरी ये विश है दीदी, आए ना जब 1 साल बाद, एक अलग से मेरा सूट केस होना चाहिए, उसमें सारे मेरे गिफ्ट होने चाहिए। क्या कह रही लव्या, सारे गिफ्ट चाहिए तेरे को, बहुत सारे हैं? हाँ, नेक्स्ट कैंडिडेट ये ना बड़ा बंदर है, ये उठेगा नहीं घर से। रेली बनाएगा इतनी सारी सेव करी है, एक भी नहीं बनेगी। हाँ खड़ो, अभी को कोई होश नहीं है, अब नहीं है कुछ भी। चल बाय कर दीदी को फिर, बाय कर रहे हैं। तेरी नींद भूल गई, बारिश आ रही है बाहर। मैं चलूंगा। सो जा शिशु, कर ले शिशु। कंधे मार रहा है, चल ना उठ रहा नहीं, जल्दी खड़ा नीचे, वो खड़ी गाड़ी खड़ी है। पूरी रात से बारिश नहीं रुकी है और यहाँ पर गाड़ी रेडी है जाने के लिए और हम सारे भी रेडी है। हाँ जी मैडम जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। ये अपना एरी मिल रहा है हीना को, वैसे तो एयरपोर्ट तक जाता है लेकिन ये परेशान हो जाएगा। कर रही है, कुछ कह नहीं रहा। चल छोड़ छोड़ एरी, चलो मैं बोल शंकर भगवान की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। लव्या नींद में थी तो कह रही मैं नहीं जा रही, हीना दीदी ऊपर आई पहले तो बाय बाय करने लग गई, फिर कह रही मैं चलूंगी, अब मेरी नींद खुल गई। और नमन और लव्या दोनों ही आ गए हैं अब। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और ये देखो इन्होंने हमें सरप्राइज दिया, कह रहे मैं नहीं जा रही। और ये देखो हमें बाद में पता लगा दूसरी गाड़ी में ये भी है। ये देखो ये मिट्टू मिलने आ गया दीदी, जो कह रहे पूरा बिठा के आऊंगा। अभी ना ठंडक लग रही है ना इसको। साड़ी रेल गड्डी आई नीचे ना जाए, परे हो जा सोनिए। तू तो डांस करिए लव्या, पकना नहीं है
वापिस जाना है आपने, इसको भेजना है बस। मिठू तो मस्ती में घूम रहा है इसको। चल बाय मिट्टी, लड्डू का ध्यान रखना। और बाय हीना, हीना बाय। तो गाइस फाइनली हीना को एयरपोर्ट छोड़ के हम सब आ चुके हैं वापिस, और अभी 7 बज चुकी है। आज नमन का एग्जाम है साइंस का, तो नमन आते ही अपना रिवाइज कर रहा है, और लव्या सो गई है, कह रही है मैं 10-15 मिनट सोऊंगी। 8 बजे का स्कूल है तो अभी टाइम है, तो लव्या कह रही है मैं 10 मिनट सोऊंगी, क्योंकि हम सुबह के उठे हुए हैं तो इसको भूख लग गई है। और यहाँ मैंने इसके लिए राजमा चावल गर्म कर दिए हैं जो मैंने रात को बनाए थे, और अभी ये रिवाइज कर रहा है अपना सिलेबस, उसके बाद फिर ये रेडी होगा स्कूल के लिए, और फिर मैं लव्या को उठाऊंगी। तो यहाँ पर लव्या और नमन दोनों रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।